वेलकम ऑल इन आईसीडी को फॉर यू चैनल। आप सभी का आईसीडी को फॉर यू चैनल में स्वागत है। मैं कृपेश नायक आईसीडी को फॉर यू के जरिए आपको स्टैंडर्ड 11 12 के जो गुजरात माध्यमिक शिक्षण बोर्ड के लेसन से वो आपको लगातार आपको लिंक भेज रहा हूँ। और आप सभी आईसीडी को फॉर यू चैनल के अंदर 100% ये वीडियो वॉच करते होंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब किए उस चैनल उस सभी को खूब खूब यहाँ से हम शुक्रगुजार हैं आप सभी के। जो नए व्यूअर्स है वो अगर नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो गूगल के अंदर टाइप करके www.icd.co.uk टाइप करें और बेल बटन पे प्रेस करें, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करें, ताकि आपको घर बैठे नोटिस मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। और दूसरा icd.co.uk चैनल की ऐप के जरिए भी आप सभी वीडियो की लिंक वहाँ से भी मिल सकती है आपको। 1 से 12 कक्षा तक के आपके जो भी PDF, जो भी टेक्स्ट बुक रिलेटेड, जो भी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है वहाँ से आपको मिलती रहेगी। मैं आशा रखता हूँ जो नए व्यूअर्स है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर चैप्टर के अंदर। और एग्रीकल्चर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े से एक अच्छे से कोट के साथ ये हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। APJ अब्दुल कलाम का काफी अच्छा कोट, इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए यह जरूरी है। यानी अगर हम अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छी कठिनाइयों से बाहर निकलेंगे, जो सब्जेक्ट हार्ड लगता है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा हम मेहनत करेंगे, और अगर वो सब्जेक्ट आपके दिमाग में सेट हो गया और आपको जब 100 में से 90-80 मार्क्स आए तो उसका आनंद कुछ और ही मिलेगा। मगर कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद अगर उठाना है तो वहां से आपको पास होना पड़ेगा। तो अच्छे से कोट के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर स्टैंडर्ड 12 के अंदर इकोनॉमिक्स इंग्लिश मीडियम के जरिए, स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 8 एग्रीकल्चर सेक्टर। इस चैप्टर के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, importance of in agriculture sector. There are 6 points are there: contribution in national income, employment, export income, living standard, growth of agriculture product, base of industrial development, then causes of low productivity in the agriculture sector. First is 8.3.1. In 8.3.1 there are 4 sub-points are there. First is institutional factors, that is land reserve collection, then agriculture finance, then agriculture market, रूरल सोशल स्ट्रक्चर। देन 8.3.2 के अंदर हम देखेंगे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, देन अदर फैक्टर के अंदर प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, लैक ऑफ इकोनॉमिक्स प्लानिंग, देन आफ्टर व्हाट आर द मेजर्स विल बी टेकन टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। देन इन देयर आर टू थ्री पॉइंट्स आर देयर मेन पॉइंट्स, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स एंड अदर फैक्टर। इन इंस्टीट्यूशनल सेक्टर देयर आर 4 points, इन टेक्नोलॉजिकल मेजर्स देयर आर 6 points, so land related reforms, availability of the institutional credits, improvement in the structure of the agriculture marketing, agriculture research, then after improved seeds, use of chemical based fertilizer, increase in the irrigation facilities, use of machines, pesticides, soil testing, other measures. These are the measure to increase the agriculture productivity that we discussed. Then modern agriculture, in that 8.5.1234, that is green revolution, multiple cropping, crop production and agriculture researches. So we are going to start with induction, agriculture sector in the primary and important sector of all economics of trade of world. The sector is not only providing the food grain, vegetable, fruit, flowers, but also provide raw material to the industrial sector. The agricultural productivity is productivity of every country of the world is different. That gives production, employment and income generation in various proportion. तो ये agriculture sector जो है काफी important है। उस sector के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे हमें benefit मिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें food production नहीं, मगर उसके साथ साथ हमें बहुत सारे raw material भी industries base के लिए यहाँ से मिल सकते हैं। तो ये जो sector है वो सभी sector काफी important है, और इस sector के लिए वेरियस कंट्री के अंदर अलग अलग उनके स्ट्रेटजी हो सकते हैं। प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम जनरेशन के बारे में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है। अब हम बात करते हैं बैकबोन्स ऑफ द इकोनॉमिक्स और व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। सो सिंस एंसेंट टाइम इंडिया हैज बीन एन एग्रीकल्चर नेशन ड्यू टू हाई डिपेंडेंसी ऑफ द सेक्टर ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर एंड फॉर द एक्सपोर्ट। इट लाइक लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। So it has a status of being the backbone of the economy. जैसे हमारे शरीर को
खड़े रखने के लिए बैकबोन की रिक्वायरमेंट है, जैसे डेमोक्रेसी के अंदर वोट की रिक्वायरमेंट है, जैसे वो हमारे जिंदा रहने के लिए ब्लड की जितनी इम्पोर्टेंस है उतनी ही इम्पोर्टेंस इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर की होती है। तो इंडियन इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर फॉर द वेरियस एस्पेक्ट, देन मेन रीजन बीइंग In, if Indian agriculture sector fails to produce food grain, vegetable, fruit and flowers are not only effect but raw material which are cash crop and used in industries that also fail in the situation agriculture food are not be available in the enough quantity. अगर ये importance हम नहीं देंगे इस sector को तो बहुत सारा हमें भुगतना पड़ेगा, बहुत सारी हमारी जो requirement है industries based जो raw material requirement है वो सभी बंद हो जाएंगे। तो agriculture sector is very important key factors. Therefore, they become a costier which influence life of people. In addition to that, big proportion of India's population 68.8 nearly 68.8 at the Janssen's census 2001 we are only when occupation or the in earning scope for the people that is agriculture sector. So it is very important backbones of Indian economy. Now what are the importance points are there that we discuss here? Agriculture production fail, then the income of the big mass gets negatively affected. Due to this, they have to reduce demand of the industrial product. Thus, on one side, industries are not getting enough raw materials, and on the other side, industrial product are not adequately demanded. Thus, it can be said that agriculture failure provide failure to the industry sector, and where both are the badly affected, it is very obvious to say that the third sector, which is a service sector, also face fall in the demand and income. यानी एग्रीकल्चर अगर फेल हुआ तो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर भी फेल होने के चांसेस रहेंगे। यानी एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए इकोनॉमी के अंदर तो 100% इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा मिलेगा, सर्विस सेक्टर भी अपने आप आगे बढ़ सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर फेल देन एंटायर इकोनॉमी फेल्स। इन शॉर्ट, वंस द एग्रीकल्चर सक्सीड देन होल नेशन प्रोग्रेस। हेंस एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ नॉन एज द बैकबोन ऑफ नेशन। एक सेंटेंस के अंदर सेक्शन डी के अंदर आपको पूछा जा सकता है व्हाई एग्रीकल्चर सेक्टर इज नॉन एज अ बैकबोन ऑफ in essence. So these are the reasons why, because agriculture sectors also they are useful for the service sector also, industrial service sector also, and for the vegetable, food grain, and so many crops are there and we can live with that. India utilized industrialization since 1956 second fire plan. India ne jo औद्योगिक policy implement ki 1956 ke andar, the government of the India has made effort to industrialize the nation, but even today India known as an agriculture oriented economy. It should be noticed that due to planning efforts, dependency on agriculture production, income, employment, export, revenue, etc. have been reduced. In spite of this, even today the development rate of economy is dependent on the growth of agriculture sector. So these are the very important, the in this paragraphs the year is very important for the industrialization in 1956 and second fire plan, very very important for MCQ one sentence. Year is very important for industrialization, it is 1956. Now present situation of the agriculture sector in India, अभी कौन सी कंडीशन है, इंपॉर्टेंस क्या है इंडियन इकोनॉमी के लिए? तो यहाँ पे हम बात करेंगे, इंडिया हैज बीन एन एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिश रूल्स। इंडिया जो था ब्रिटिश रूल्स से पहले एग्रीकल्चर ओरिएंटेड ही था। 90% हम इंडिया की जो पॉपुलेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर बेस्ड अर्निंग कर रही थी। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स एंड इवन आफ्टर द ब्रिटिश रूल्स ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज मेनली फोकस्ड अपॉन एंड ड्यू टू दैट एज कम्पेयर टू पास्ट द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ एग्रीकल्चर शोस एबनॉर्मल चेंजेस। पहले के मुकाबले इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात हुई, इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस ज्यादा किया गया, तो उससे नतीजा ये है कि करंट सिनेरियो के अंदर एग्रीकल्चर जो है वो थोड़े नॉर्मल कंडीशन में नहीं है। प्रेजेंटली एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स मच मोर एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट इनकम एज कम्पेयर टू द पास्ट। पास्ट के मुकाबले बहुत सारे आमदनी, रोजगारी, एम्प्लॉयमेंट की बात करें वहां से जनरेट हो रही है, प्रोडक्शन बहुत सारा है एग्रीकल्चर सेक्टर से हो रहा है। बट चेंजेस हैव बीन प्रिवेलेंट इन दिस एरिया, दो एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट टू द इकोनॉमी। इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द शेयर इन द टोटल रेवेन्यू दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम एस एंड डायरेक्शन लेट अस
एग्जामिन सेवरल फैक्टर्स ऑफ प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर से बहुत सारे रेवेन्यू भी जनरेट हो रहे हैं, नेशनल इनकम के अंदर भी एग्रीकल्चर का शेयर काफी ज्यादा है। तो हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल इनकम इन 1950-51 से लेके हम 2011-12 की। आपके सामने जो ये टेबल है, टेबल के अंदर आप देख सकते हो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर्स इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अंदर 1951 से लेके अभी तक की बात करें तो शेयर जो 53, 48, 42, 36, 29, 22 एंड 13, यानी लास्ट सर्वे जो हुआ 2011-12 के अंदर, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर इंडियन शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन नेशनल इनकम दैट इज 13.9, नियर बाय 14% शेयर ऑफ नेशनल इनकम इन दिस सेक्टर। इन 1951 देयर आर 53.1%, सो इट इज क्लियर दैट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स एंड सर्विस सेक्टर आल्सो बिकम द वन ऑफ द मेन मोटो ऑफ दैट, एंड सो दैट वी कैन सी द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन नेशनल इनकम इज गोइंग टू रिड्यूसिंग। सो नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंस why these are happen, what are the main reason for that, including agriculture crops, poultry farming, fishing and cattle raising. As economic survey of the 2011-12, contribution of the agriculture sector in the national income that is 53.1 in 1951 and it reduced to 13.9, near 14% at a constant price in year 2011-12 due to greater emphasis on the industrialization in 1956. Jo 1956 ke andar industrialization hua, uska natija ye hua ke 1956 ke baad dheere 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 karke इंडस्ट्रीज के ऊपर बढ़ावा, इंडस्ट्रीज को फोकस किया, सर्विस सेक्टर को ऑर्गेनाइज किया, तो एग्रीकल्चर के अंदर थोड़ा सा वो फॉल हुआ। द फॉल ऑफ कंट्रीब्यूशन इन द नेशनल इनकम ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इज ड्यू टू द स्पीडी प्रोग्रेस ऑफ नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स। जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर से, इंश्योरेंस सेक्टर से, देन आफ्टर रोड रोड कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, रोडवे, सीवे, दिस आर द अदर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स ऑल्सो इंक्रीज। द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया हैज बिकम ए कॉम्प्लेक्स इश्यू। Now, second point is employment. Why it is important? Why it is backbone in India? So here, employment generation main sources of agriculture. Agriculture जो है, वो employment का main hub था. It is the agriculture sector which provides maximum employment in India. At the time of independence, 72% population was engaged in the agriculture sector. Very, very important. At the time of independence, that is 1947-1948, 72% population of total, जो हमारी पहले की 1951 की जो population थी, उनके 72% यानी near by 2/3 of the population are engaged in the agriculture sector and allied agriculture activities like cattle raising, fishing, forest production, production, etc. After independence of India, the development process has become speedier. Especially development of the industries and service sector achieved much faster growth than agriculture sector. Agriculture sector के को छोड़ के इंडिपेंडेंस के बाद धीरे धीरे बाकी के जो सेक्टर थे उसके अंदर डेवलपमेंट होने लगे। Therefore, employment dependency on the agriculture has been reduced. उसका रीजन ये हुआ कि अगर दूसरे सेक्टर के अंदर लोगों को आमदनी मिल रही है, वो रोजगारी ले रहे हैं, तो 100% एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो धीरे धीरे वो इंडस्ट्रियल, वो स्मॉल कॉटेज, हैवी, बिग एंड सो मेनी एरिया फॉर द गेटिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सो दैट दे रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ दिस। इन द ईयर 2001-2 इट वॉज 58%, विच वॉज कैम टू 49% इन द ईयर 2014-15 एज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर। यानी एग्रीकल्चर के अंदर अभी 49% लोग एंगेज है, वहां से आमदनी ले रहे हैं। Now third point is exports income. Indian agriculture helps our country to earn foreign exchange by exporting necessary exports and it's helped to import necessary goods which are not produced or produced less in country. During the independence period, the total contribution of India's total export earning of 70% is very, very important. इस पॉइंट के अंदर अगर ये डेटा नहीं लिखोगे तो यू आर नॉट गेटिंग फुल मार्क्स। 70% हमारी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एक्सपोर्ट की इनकम थी, यानी अगर हम बाहर अपने प्रोडक्शन को बेचेंगे तो हमें फॉरेन करेंसी जो है वो इंडिया के अंदर आएगी, डॉलर पाउंड की कमाई होगी इंडिया के अंदर। तो वो इंडिपेंडेंस के टाइम में द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टोटल एक्सपोर्ट इनिंग ऑफ 70% हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम द एग्रीकल्चर। जो इनकम होती थी एक्सपोर्ट की उनमें से 70% शेयर हमारे एग्रीकल्चर के थे। बट ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोसेस इंडस्ट्रीज एंड द सर्विस सेक्टर आर एट टॉप मोस्ट एंड दस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन एक्सपोर्ट अर्निंग हैज रिड्यूस। और जो एक्सपोर्ट अर्निंग के चांसेस दूसरे सेक्टर के अंदर दिखाई देने लगे, उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई,
इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसकी वजह से जो एक्सपोर्ट के जो कंट्रीब्यूशन थे जो 70% थे वो रिड्यूस होने लगे. इट कैन बी नोटेड दैट इन द ईयर 2013-14 द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द एक्सपोर्ट अर्निंग ऑफ वॉज 14.2%. जो 70% शेयर था टोटल एक्सपोर्ट के वो 2013-14 के अंदर 14.2 हो गए थे. नाउ लिविंग स्टैंडर्ड एग्रीकल्चर इज द बेसिक सपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. एग्रीकल्चर हैज कंटिन्यूसली इम्प्रूव लाइफ ऑफ पीपल इन इंडिया ऑल्सो. एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स फूड ग्रेन एंड कैश क्रॉप. ऑल द सेलर्स आर इंक्लूडेड इन द फूड ग्रेन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वॉट आर द एग्जाम्पल फॉर दिस for the food grain cash crops. All the cereals are included in food grain. Due to production of this food grain and food grain, India becomes self-sufficient. जो बाहर से पहले हमें scarcity of food की बहुत सारे टन के अंदर हमें import करनी पड़ती थी वो हम self-sufficient हुए. Cash crop are very very important. What are the example of cash crop? That is cotton, jute, groundnut, oilseeds, sugar cane, etc. are used to raw material as an industry's product. Food items are mainly included in the food grain crops and this have shows rise in the production. Present farmer are also engaged in the production of vegetables, fruits, flowers, etc. Therefore, it can be said that agriculture sector is satisfying requirements of agriculture foods and goods of the people. Average food grain availability of was 395 ग्राम पर हेड डे इन द ईयर 1951 की बात करें. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. यहाँ आपको ये एक मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है कि 1951 के अंदर टोटल अवेलेबिलिटी कितनी थी, कितने ग्राम्स की फूड ग्रेन थी. 395 नियर बाय 400 ग्राम्स विच वॉज इंक्रीज टू 511 इन द ईयर 2013 के अंदर 400 से 500 प्लस के हमारी अवेलेबिलिटी हुई. दैट मीन्स प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग 2013 year. Even there was rise in the population. Therefore, it can be said that agriculture sector is satisfying requirement of the people in enough quantity and due to that average lifespan of people are increased. Yani jo hamare 48 se 68 expected age jo thi uska reason bhi ek ye tha ki agar hame achi tarah se minerals, vitamins, carbohydrates agar lene hai food grain mein se mil rahe hai to we are going to high expect of age. ये एक पॉसिबिलिटी यहां से हो सकती है. ये भी एक इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर की. नाउ नेक्स्ट ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. यहां पे हम देख सकते हैं कितना ग्रोथ हो रहा है फूड ग्रेन, पल्सेस, सुगर कैन, ऑयल सीड्स, कॉटन के अंदर 1951 की कंपैरिजन के अंदर 2013-14 की कंपैरिजन करें तो फूड ग्रेन 51 पे से 264, पल्सेस 84 पे से 19.6, सुगर कैन 69.0 पे से 348, ऑयल सीड्स 5.1 में से 32.4 एंड कॉटन 2.1 पर से 36.5%. यानी रिमार्केबल चेंजेस इन प्रोडक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ फूड कैन, पल्सेस, शुगर कैन, ऑयल सीड्स एंड कॉटन. नाउ 8.2.6 बेस्ड ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए भी एग्रीकल्चर काफी इंपॉर्टेंट है. एग्रीकल्चर इज अ बेस फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडिया. एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स टू इंडस्ट्रियल सेक्टर्स to do production as per the capacity of industrial sector to attain possible development. जितना हो सके उतना industries को raw material provide करने की जिम्मेदारी भी agriculture sector की है. अगर sugar factory चल रही है तो उसका reason है cash crop के अंदर जो cotton जो sugar cane आ रही है उसकी वजह से ये sugar cane के प्रोसेस होती है शुगर फैक्ट्री के अंदर तो इंडस्ट्रीज को बड़ा मिल रहा है उसकी वजह से पूरे इंडिया के अंदर शुगर का सप्लाई हो रहा है. अगर शुगर कैन ही प्रोडक्शन ना हो तो रॉ मटेरियल आर देयर नॉट देयर देयर इज नो इमेजिनेशन अबाउट द शुगर फैक्ट्रीज. सो दिस आर द एग्जांपल ऑफ दैट. सो एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज सेक्टर टू डू प्रोडक्शन एज पर द कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर टू अटेन पॉसिबल डेवलपमेंट. इन एडिशनल टू दैट रूरल एरियाज आर बिकमिंग अ बिग मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. Because of 69% population of India live in rural area. 69% जो वहाँ पे रह रहे हैं विलेज एरिया के अंदर, रूरल एरिया के अंदर, तो उनका मेन जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है. इट इज नोटिसेबल डेट 69% पॉपुलेशन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन हैज मेन सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर. ड्यू टू डेट ओनली रूरल एरियाज आर डिमांडिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक टेलीविजन, फ्रिज, बाइक, मोबाइल. यानी यही एक प्रपोर्शन है इंडस्ट्रीज के लिए कि वहाँ से रॉ मटेरियल आ रहे हैं तो उसकी वजह से पूरा
हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बढ़ रहा है, बहुत सारी प्रोडक्शन वहां पे हो रही है, टेलीविजन, फ्रिज, बाइक, मोबाइल, ये सभी ड्यू टू दीज फैक्टर्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सेक्शन ई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सेक्शन ई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, सेक्शन ई के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी भी. कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर. इंडिया इज अ एग्रीकल्चर ओरिएंटेड नेशन, देन ऑल्सो इट हैज मैनी एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम. वन ऑफ दैट द मेजर प्रॉब्लम इज लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन वेरा. इन रियलिटी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इट कैन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर और इनकम पर हेक्टर आर बींग मेजर्ड. एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो एज कम्पेयर डेट ऑफ द वर्ल्ड. रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर दैट आर एज फॉलो. इंडिया के अंदर 50, 49 to 50 and 60% प्लस आर एंगेज इन दिस फील्ड. इवन द प्रोडक्टिविटी आर वेरी सीरियस प्रॉब्लम. प्रोडक्टिविटी आर नॉट इंक्रीज, इट इज डिक्रीजिंग वेरियस सेक्टर. Why? Because of there are three reasons: institutional factors, technological factors, and other factors. I repeat again, there are main three factors for that. That is institutional factors, technological factors, and other factors. Institutional factors, that is संस्थाकीय factors, जो Indian economy के अंदर क्या है. उसके बाद technological, यानी जो हमारा knowledge technology वो कितना है, वो सभी हम अभी डीप में डिस्कस करने वाले हैं. तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर कौन कौन से है. द इन्फ्लुएंस ऑफ दोज फार्मर हु वर्क इन द इंस्टीट्यूशंस एंड आर फेल्ट इन द फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड लीगल फैक्टर्स आर इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स. सच फैक्टर्स आर नेगेटिव इन इंडिया. ध्यान में रखना, इंडिया के अंदर फार्मर जिस फील्ड के अंदर काम कर रहे उसके अंदर फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, लीगल फैक्टर, जो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर है, ये सभी नेगेटिवली वर्क कर रहे हैं इंडिया के अंदर. ड्यू टू डेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज वेरी लो और वेरी लेस्ट लेवल. देयरफॉर लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर बीइंग सीन. जमींदारी सिस्टम, महालवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम आर द लैंड रेवेन्यू कलेक्टिंग सिस्टम इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्रिटिशर. ब्रिटिशर ने जो जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, आप जानते हो जिसके पास जमीन है उनके ऊपर ब्रिटिशर वर्क करवाते थे, लगान लेते थे, अगर लगान नहीं पे कर सके तो उनकी जो लैंड थी वो डिपॉजिट की जाती थी. ये सभी उनकी अलग अलग महलवारी रैयतवारी सिस्टम थी जो ब्रिटिशर ने इंप्लीमेंट की थी. फैसिलिटी ऑफ द एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, लैंड ओनरशिप सिस्टम एक्सेट्रा इंक्लूडेड इन द इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स. ये सभी जो फाइनेंशियल, मार्केटिंग, लैंड ओनरशिप, यानी ये प्रोडक्ट करने के बाद जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बेचने के एग्रीकल्चर फार्मर को, वो फाइनेंस, उसके बाद मार्केटिंग सिस्टम, लैंड ऑनरशिप सिस्टम, ये सभी सिस्टम भी इंस्टीट्यूशनल सेक्टर के अंदर ऐड होती है. दिस इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स रिमेन रेजिस्टेंस और नेगेटिव. ये जो सिस्टम बनाई थी वो काफ़ी नेगेटिव थी और जो रेजिस्टेंस नेगेटिव की वजह से उनका बढ़ावा होना चाहिए, वो प्रोडक्टिविटी में अंदर बढ़ावा नहीं हो पा रहा है. फर्स्ट इज लैंड रेवेन्यू कलेक्टिंग सिस्टम, यानी लगान इकट्ठा करने की मेथड. रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू कलेक्टिंग सिस्टम, यहाँ पे हम बात करें थ्री रेवेन्यू कलेक्टिंग सिस्टम आर देयर, दैट इज नेम्ड बाय जमींदारी सिस्टम, मालवारी सिस्टम एंड रैयतवारी सिस्टम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस थ्री सिस्टम्स आर फॉर सेक्शन ए और सेक्शन बी. व्हाट आर, हाउ मेनी सिस्टम आर देयर फॉर द रेवेन्यू कलेक्टिंग और व्हाट आर द सिस्टम इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्रिटिशर इन इंडिया फॉर द कलेक्टिंग रेवेन्यू, दैट इज जमींदारी, महलवारी और रैयतवारी. काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये, कौन सी थ्री सिस्टम ब्रिटिश ने बनाई थी लगान को रिकवर करने के लिए. तो जमींदारी, मालवारी एंड रैयतवारी सिस्टम वेयर प्रीवेलेंट ड्यूरिंग द इंडियाज इंडिपेंडेंस. टेनेंट्स ऑफ द लैंड और लैंडलेस लेबर्स वेयर कल्टिवेटिंग द लैंड अंडर दिस सिस्टम. जिसके पास लैंड नहीं थी या जो टेनेंट्स थे वो ऐसे सिस्टम के अंदर काम करते थे. अ लार्ज शेयर ऑफ द क्रॉप और जस्ट बाय द लिविंग सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ फार्मर द एंटायर क्रॉप वॉज कंपल्सरी टेकन बाय द लैंडलॉर्ड एज अ रेंट ऑफ लैंड. जितना भी वो प्रोडक्शन करते थे वो हर एक उनको जो लैंडलॉर्ड थे उनको देना पड़ता था. दिस वॉज द रीजन वाई फार्मर वेर नॉट
इंटरेस्टेड इन द इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी. जो वो फसल खुद करते थे, बॉटम लेवल का काम वो करते थे, कड़ी धूप में मेहनत करते थे, और पूरा जो फसल होती थी वो जो लैंडलॉर्ड था उनको देना पड़ता था, और उसके पास कुछ नहीं आता था, या सम ऑफ द पर्सन दे कैन प्रोवाइड. तो उसकी वजह से फार्मर आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क, एज दे डिड नॉट मेक एफर्ट टू इंक्रीज प्रोडक्शन. तो उनको ऐसा लगता भी नहीं था कि अब हमारा तो है ही नहीं, जो भी लेगा वही लैंडलॉर्ड है उसको पास ही जाने वाली है, टेनेंट्स को तो कुछ मिलता नहीं है, तो हम क्यों एफर्ट लगाए अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए. सो दे आर नॉट इंक्रीज द प्रोडक्शन, और दे वेर नॉट रेडी टू इम्प्लीमेंट एनी इनोवेशन. कोई वहाँ एक्सपेरिमेंट भी नहीं करेंगे कि इतना करेंगे तो ये फसल ज्यादा होगी, कुछ नहीं. सो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिमेन अबाउट स्टैग्नेंट, ऐसा का वैसा ही पड़ा रहा. एज ए रिजल्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज एज पर द नेशंस रिक्वायर्ड एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कल्टिवेटर्स. आफ्टर इंडिपेंडेंस टू प्रोटेक्ट टीलर एंड कंट्रोल रेंट ऑफ द लैंड, टीलर लैंड एक्ट वॉज पास्ड, बट दिस एक्ट वॉज नॉट कम्प्लीटली इम्प्लीमेंटेड, एंड ड्यू टू दैट फार्मर आर नॉट एक्सप्लॉइट फ्री. यानी ये जो टीलर लैंड इम्प्लीमेंटेड हुआ, पास हुआ, मगर वो फुल्ली तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर फार्मर के फेवर में नहीं हुआ, और फार्मर का एक्सप्लॉइट रुका नहीं, चलता ही रहा. फाइनली प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर बिकम सीरियस इश्यू. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम. सेकंड इंस्टीट्यूशनल सेक्टर, दैट इज एग्रीकल्चर फाइनेंस. मेजोरिटी ऑफ द फार्मर आर फेसिंग पॉवर्टी इन इंडिया एंड दे आर इन नीड ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस टू बाय फर्टिलाइजर, सीड्स, pesticides, etc. They require finance to cultivation. But since independence, a great role is played by the private money lenders. 71.6% of agriculture finance business was managed by money lender in 1951 के अंदर 71.6% जो money lender थे वो unorganized sector वाले थे. Majority of the farmer are facing poverty. वो poor थे, उसके पास पैसे नहीं थे. अगर उसको finance चाहिए तो ऐसा कोई बॉडी गवर्नमेंट ने बनाई नहीं थी कि उनके चीप रेट के अंदर उनको कुछ फाइनेंस प्रोवाइड करे. दे वेर प्रोवाइडिंग फाइनेंस एट वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. नॉट इवन दैट, दे वेर डूइंग मैनिपुलेशंस ऑफ द अकाउंट टू एक्सप्लॉइट पुअर फार्मर. पुअर फार्मर जो होते हैं उनका जो अकाउंट था वो भी सील करते थे, हाई रेट पे उनको पैसे देते थे. आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट हैड नेशनलाइज बैंक्स विच हैज रिड्यूस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द मनी लैंडर. इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने राष्ट्रीयकृत यानी नेशनलाइज्ड बैंक रिफॉर्म्स की, और जो इम्पोर्टेंस ऑफ मनी लेंडर थी उनकी इम्पोर्टेंस कम कर दी. गवर्नमेंट हैज एक्सपांडेड इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर फाइनेंस बाय कंस्ट्रक्टिंग रीजनल रूरल बैंक इन 1975. काफी इम्पोर्टेंट ईयर, काफी इम्पोर्टेंट बैंक. गवर्नमेंट ने कौन सी बैंक इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशनल के लिए बनाई, तो आरआरबी के अंदर 1975 के अंदर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. आई रिपीट अगेन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन 1982. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द एस्टेब्लिश ईयर ऑफ द नाबार्ड, दैट इज 1982. 1982 के अंदर नाबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट हुई. 1975 के अंदर आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक इंट्रोड्यूस हुई. ड्यू टू दिस ऑल एफर्ट्स, द रोल ऑफ मनी लेंडर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हाई रेट पे लोगों को पैसे देते थे, पुअर पर्सन को, उनकी इंपॉर्टेंस कम हुई, उनके रोल कम हो गए, फेल डाउन टू 727% वेयर रिमेनिंग एंटायर एग्रीकल्चर क्रेडिट इन मैनेज बाई द इंस्टीट्यूट. दिस फैक्टर्स प्रूव दैट farmer are paying higher cost of available credit and due to that their revenue, that is profitability, remain very low. अगर वो ज्यादा रेट पे वो देते थे पहले के फार्मर, उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी उनका 100% इंटरेस्ट भी जाता था, यानी उनको जो इनकम मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती थी, वो पुअर थे, पुअर ही देते थे. एज प्रॉफिट आर रिमेनिंग वेरी लो, फार्मर आर नॉट मच इंटरेस्टेड टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी. यानी वो जो पैसे लेते थे फाइनेंस से, तो उनके ऊपर उनका बर्डन था, उसको डेप ही पे करने में उनकी प्रोडक्टिविटी के पैसे चले जा रहे थे. तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड, उनको पता था कि जो भी कमाएंगे वो लैंडर है वो ले जाएगा. सो दैट एग्रीकल्चर ओरिएंटेड वर्क एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हैज डाउन लो. थर्ड पॉइंट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल सेक्टर, दैट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग. मार्केटिंग का मतलब जब फसल हमारी होती है खेत के अंदर, उसके बाद उनको कस्टमर तक पहुंचाने का एक पूरा मैनेजरियल
अरेंजमेंट वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है। अगर आपने शुगर केन प्रोडक्ट की अपने फील्ड के अंदर और आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डेट इज रोड ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इंश्योरेंस की फैसिलिटी नहीं है, बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, सामने कौन परचेस करने वाले उनकी फैसिलिटी है, दिस आर ऑल द वेरी इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट फॉर द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ड्यू टू द वीक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इंडियन रिमोट विलेजर्स आर नॉट हैविंग एडिक्वेट रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी टू कनेक्ट द एग्रीकल्चर मार्केट। इवन द एग्रीकल्चर मार्केट हैव डिफरेंट रेट्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस एट टाइम ऑफ अ सीजन एंड एंड ऑफ द सीजन, अलग अलग उनके रेट है सीजन में और सीजन के बाद। एग्रीकल्चर मार्केट सॉरी मेजोरिटी कॉजेज हाई प्राइस बेनिफिट गो टू द ट्रेडर्स टू होल्डर्स, बहुत सारे होल्डर्स, बहुत सारा बेनिफिट मेजोरिटी बेनिफिट जो था वो ट्रेडर को ही मिलता था। फार्मर हु आर अंडर द डेब्ट आर फोर्स टू सेल देयर क्रॉप बिफोर क्रॉप गेट रेडी टू लोकल लैंडर एंड ब्रोकर्स। फार्मर को 100% उनके डेब्ट को पे करने के लिए अपने लोकल मार्केट के लैंडर को या ब्रोकर को ही अपनी सारी प्रोडक्ट को बेच लेनी पड़ती थी। ये काफी क्रूशियल और चिंता का विषय था, यानी फार्मर जो कमाते थे वो एंड तक बड़े पैसे उनको मिलने चाहिए और नहीं मिलते थे। फार्मर आर लेस्ट इंफॉर्मेटिव टू से सो दे नॉट हैव नॉलेज ऑफ द मार्केट, और फार्मर इलिटरेट भी थे, उनको पता भी नहीं था कि मार्केट में कैसे अपनी फसल को प्रोडक्ट को बेचनी है, किसको बेचनी है, उनके पास पूरा नॉलेज भी कम था। नॉलेज ऑफ द मार्केट रेट्स सेलिंग प्रोडक्शन ये सभी उनका पता ही नहीं था कि हमारी प्रोडक्शन कितने में बेच रही है गवर्नमेंट, हमें कितना पैसा मिलना चाहिए, कितने बेनिफिट में मिले, वो उनका नॉलेज नहीं था। देयरफॉर दे आर नॉट एबल टू गेट फुड रिटर्न्स गुड रिटर्न्स ऑफ देयर क्रॉप्स। ड्यू टू दिस दे बिकम पेसिमिस्ट, यानी उनको अगर ऐसा अपने रिटर्न नहीं मिल रहे अपने प्रोडक्शन, कड़ी धूप में वो मेहनत करते हैं, 24 आवर्स वहां पे रहते हैं, बारिश का चैलेंजेस, पानी की चैलेंजेस वो सभी उठाते हैं, वो सब कुछ करने के बाद अगर उनको रेट नहीं मिलेंगे तो कोई भी फार्मर रेडी नहीं होगा अच्छी सी फसल करने के लिए। दिस आर द रीजन ऑफ इंस्टीट्यूशनल मार्केटिंग रीजन। नाउ रूरल सोशल स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ फैक्टर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशनल दैट इज रूरल सोशल स्ट्रक्चर। इंडियन फार्मर आर फैटलिस्ट एंड हैविंग लीस्ट इंफॉर्मेशन। रूरल सोसाइटी इज बाउंड विच ओल्ड ट्रेडिशनल एंड स्ट्रक्चर एज दे आर फैटलिस्ट, दे एक्सेप्ट प्रॉब्लम्स गिवन बाई द नेचर एंड एक्सेप्ट सिचुएशन ऑफ द स्कैर्सिटी, सो दे डू कल्टिवेशन फॉर देयर सब्सटेंस ओनली, दे आर नॉट हैविंग मोटिवेशंस टू अटेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट फॉर द कल्टिवेशन, इंक्रीजिंग द इनकम। दिस इज द रीजन वाई एग्रीकल्चर विच इज सेंटर पॉइंट ऑफ द रूरल एरिया इन हैविंग लो प्रोडक्टिविटी। रूरल की जो सोशल जो उनका सामाजिक जो स्ट्रक्चर था वो भी ऐसा था कि ये जो हम फेस कर रहे हैं वो हमारे किस्मत में लिखा है। वो फेटरलिस्ट थे, उनको अपने दादा परदादा जो सिस्टम से करते थे कामकाज वही सिस्टम से काम करते थे, और उसी सिचुएशन में वो समझते थे कि एक्सेप्ट द सिचुएशन ऑफ स्कैर्सिटी, और स्कैर्सिटी है नहीं मिल रहे पैसे, हम ऐसे ही जिंदा रहेंगे क्या करें, हमारा कोई नहीं। उनको कुछ मोटिवेशनल अटेंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नहीं मिलता, डेवलपमेंट ऑफ द कल्चर कल्टिवेशन इंक्रीज इन द इनकम वो सोचते भी नहीं थे। इन दिस रीजन एग्रीकल्चर आर गोइंग डाउन, दिस इज सोशल स्ट्रक्चर आर ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन। देन आफ्टर सेकंड पॉइंट इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स ऑफ फोर सब पॉइंट, देन आफ्टर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर यूटिलाइज ओल्ड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, ओल्ड इक्विपमेंट, आइडियोलॉजीज, टेक्निक्स एक्सेट्रा विच मेक एग्रीकल्चर वीक। इवन इन द प्रेजेंट फार्मर यूज प्लो एंड बलॉ बुलक इंस्टेड ऑफ ट्रैक्टर, इट इज वेरी वेरी हार्मफुल कंडीशन। प्लो एंड बलॉक आर स्टिल यूज इन द इन दर फील्ड इंस्टेड ऑफ हाई टेक्नोलॉजी एंड पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल आर नॉट गोइंग टू डिस्कस विद दैट पॉइंट, बट ओनली इफ दे यूज ट्रैक्टर they can get good, even they are not use this type of hand, even some of the farmer use plow and bullock. They are traditional seeds instead of hybrid seeds which give low productivity, they use cow dung and manure instead of chemical based fertilizer which give low productivity. Indian farmer are use less proportion of pesticides and never technology to
प्रोटेक्ट क्रॉप्स, देयर फॉर इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर मूव्स अहेड वेरी स्लोली। यानी जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी से हम अपनी फसल को कर रहे हैं, तो बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जो अभी भी अपने खेत के अंदर अभी भी बैलगाड़ी लेके जा रहे हैं, बुलक कार से ही अपने फार्मिंग की प्रोसेस को दादा परदादा जैसे करके आए हैं वैसे करते थे। हाइब्रिड सीड्स को यूज नहीं करते थे, केमिकल फर्टिलाइजर को यूज नहीं करते थे, काउडंग्स का मैक्सिमम यूज करते थे। तो ये सभी जो है वो भी एक रीजन है कि रैपिडली हमारा इंक्रीज नहीं हुआ। अदर फैक्टर्स के अंदर दो पॉइंट है, प्रेशर्स ऑफ पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर्स ऑफ पॉपुलेशन, वन ऑफ द बिग रीजन फॉर द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज पॉपुलेशन प्रेशर ऑन इट। पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर कैन बी अंडरस्टूड बाई द डिपेंडेंसी ऑन द एग्रीकल्चर अबाउट द एम्प्लॉयमेंट। At the time of independence, 72% population was engaged in the agriculture. That reduced to 58% in the 2011-2. 72% इंडिया की population इसी फील्ड के अंदर यानी एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर एंगेज थी, वो रिड्यूस होकर 2001 के अंदर 58 हुई। इवन वी कैन 2013-14 49% एम्प्लॉयमेंट आर जनरेशन फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड। सो अमंग द 135 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2019-20 स्टिल 49% एम्प्लॉयमेंट आर जनरेट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। द प्रोपोर्शन ऑफ दैट 72% reduce 58% did, but still at 2013-14 last census we are see 49% employment are getting their employee from the agriculture sector. Thus we can say that the one of the main employment generation sector is agriculture. So pressure of population initially only and only on the agriculture, so burden on the agriculture produce burden on the agriculture reduce, but still it is higher than the other sectors. And even high compared abroad economy here, total production, total produce of the agriculture being distributed on the ground of the production or income among big mass of population, it shows low productivity of labor. Hum ye point ke andar dekh rahe hai ki 1951 se 1947 se hamara jo proportion hai jo Indian economy ke log jo agriculture sector ke andar dheere dheere kam ho rahe hai, 72% log pehle sirf aur sirf khet mazdoor the, uske baad 58% jo uske baad 49% jo proportion wo reduce ho raha hai, agar if we compare with our Indian population it is high rate. 135 crores ki population ke 50% yani half of the population are engaged in same field and getting employment. So the pressure on the land is one of the big reason for less or reducing productivity of agriculture sectors. Second point, lack of economic planning. Government of India has used first fire plan exclusively for the agriculture sector. India ke andar first fire plan yani pehli panchvarshi yojana sirf aur sirf focus kiya tha agriculture sector ko, but from the second fire plan magar dusri panchvarshi yojana ke tahat यानी 1951 से 1956 की जो फर्स्ट फायर प्लान के अंदर इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर ग्रुप फोकस हुआ। देन आफ्टर वी सीम दैट इफ वी आर ओनली एंड ओनली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर अवर डेवलपमेंट रेट विल बी रिड्यूस, सो दैट वी आर फोकस आफ्टर 1956 ऑफ द सेकंड फायर प्लान इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग सेंट्रलाइज्ड विद द इंडस्ट्रियल प्लानिंग। द गवर्नमेंट हैज not taken much interest and effort on the agriculture sector and only focus with the industrial sector. गवर्नमेंट की भी थोड़ी सी गलती थी कि गवर्नमेंट ने 1956 के बाद सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के वजह सिर्फ इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंप्लीमेंट की, तो बिग एंड हैवी इंडस्ट्रीज को फोकस किया, हमारे जो फार्मर थे उसके ऊपर पूरा ध्यान न दिया। फाइनली इट कैन बी सेड दैट एज एग्रीकल्चर सेक्टर हैज द इरेग्युलर एंड स्लो रेट ऑफ द डेवलपमेंट, गवर्नमेंट हैज नॉट गिवन हेल्प एंड इट ड्यू टू दैट ओनली इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर इन द परिश्रम कंडीशन। यानी यही एक रीजन हुआ कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी वो कम हो गई, फ्लो रेट हो गई, ईडीए रेगुलर हो गई, उसका रीजन भी यही था। नाउ ये सभी हमने पॉइंट पढ़े, 8.3 के अंदर हमने इंस्टीट्यूशनल, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल और अदर फैक्टर की बात की। अब व्हाट आर द मेजर टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, हमें अगर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो हम कौन से मेजर ले सकते हैं, तो यही तीन मेजर, यही तीन जो प्रोडक्शन के लो प्रोडक्शन के प्रॉब्लम थे उनके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, देन आफ्टर टेक्नोलॉजिकल मेजर्स एंड अदर मेजर्स। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर सोस बैक
What needs of the agriculture sector? Agriculture sector needs improvement as it is a main occupation and very important pillar of the Indian economy. In addition of that, if agriculture productivity increase, then income of the rural economy will increase. Employment, urbanization, migration, and inequality of the income. To improve productivity of agriculture, following steps to be taken. अगर हमें ये सभी इंडियन इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, माइग्रेशन को रुकवाना है और बहुत सारे फील्ड जो एग्रीकल्चर के बेस के ऊपर चल रहे हैं उनको अगर बढ़ावा देना है तो हमें तीन पॉइंट ध्यान में रखने पड़ेंगे, वो है इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, टेक्नोलॉजिकल मेजर्स और अदर मेजर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल मेजर कौन से है। इंस्टीट्यूशनल मेजर के हमने लो बैक ड्रॉबैक देखे। अब टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इकोनॉमिक प्लानिंग हैज अंडरटेकन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स व्हिच वुड बी फेवरेबल फॉर द इकोनॉमिक प्रोग्राम प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लैंड रिलेटेड रिफॉर्म, सेकंड अवेलेबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स, इंप्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ द एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल मेजर। सबसे पहले चार पॉइंट फर्स्ट पॉइंट के थे इंस्टीट्यूशनल के अंदर लैंड रिलेटेड रिफॉर्म जो हमने देखी थी, जमींदारी सिस्टम, जिसके पास अगर लैंड नहीं है उनको हाई रेट पे ब्रिटिशर्स जो अंग्रेज इंडिया के अंदर आए थे वो हाई रेट पे उनका लगान रिकवर करते थे, टैक्स उनसे लेते थे, अगर वो पे ना कर पाए तो उनकी जमीन भी हड़प लेते थे, ऐसी पॉलिसी फार्मर के लिए रखी थी। सो लो टू एबोलिश जमींदारी सिस्टम, पहले तो हमें ये करना पड़ा कि जमींदारी सिस्टम के लोगों को हमें दूर करना पड़ेगा। टू प्रोटेक्ट द टिलर एंड टू कंट्रोल रेंट आर इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया सो दैट द प्रोवाइड्स ओनरशिप ऑफ द लैंड टू फार्मर एंड लैंड लेबर में हैव प्रोटेक्शन टू टिल लैंड टू स्टॉप एक्सप्लेनेशन ऑफ द फार्मर एंड दिस वे फार्मर्स में हैव बिग शेयर ऑफ देयर क्रॉप। ये अगर हम रूल्स को ब्रेक करेंगे, लॉ को ब्रेक करेंगे तो टिल द एंड तक उनको प्रोटेक्शन मिलता रहेगा, वो कुछ ना कुछ फार्मर भी सोचेंगे लैंड के बारे में और प्रोडक्टिविटी के बढ़ाने के बारे में भी सोचेंगे। दिस में बिकम कोज टू डू मोर एफर्ट इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ओवरऑल इट में इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। सेकंड पॉइंट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशनल दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो हमने बात की थी, नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग जो 72% पूरा एग्रीकल्चर फाइनेंस को कवर करते थे उनके लिए गवर्नमेंट ने टू प्रोवाइड द क्रेडिट एंड अदर मॉनिटरी फैसिलिटीज, नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक अंडरटेकन बाय द इंडिया, इवन नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दैट इज नाबार्ड, आई रिपीट अगेन फुल फॉर्म ऑफ द नाबार्ड दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विच इज द बॉडी ऑफ द आरबीआई सेट अप इन 1982। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक मार्क के लिए, सेक्शन बी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना। 1982 के अंदर क्या हुआ था एग्रीकल्चर के बढ़ावा देने के लिए, या नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या था, या नाबार्ड किसके जरिए सेटअप हुई थी, या आरबीआई के एग्रीकल्चर रिलेटेड कौन सी बैंक इस्टेब्लिश हुई 1982 के अंदर। तो नाबार्ड दैट इज कॉल्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विच वॉज बॉडी ऑफ डैश दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ही एक पार्ट है, विच सेटअप इन विच ईयर दैट इज 1982। दिस ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू स्पेशल फोकस ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड रीजनल रूरल बैंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म ऑफ आरआरबी दैट इज रीजनल रूरल बैंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड LDB that is Land Development Bank, LDB that is Land Develop Bank, Land Development Bank, LDB develop under its provide cheap and enough credit to the Indian farmer, यानी Indian farmer को अच्छी तरह से पैसे मिले, उनके ऊपर finance की जाए, उनको कोई भी requirement है, loans देनी है तो cheap rate पर उनको loan मिल सकती थी, पैसे मिल सकते थे जो पहले high rate पर उनको देना पड़ता था, अगर वो अच्छी तरह से नहीं दे सकते थे तो उनकी जो land थी वो भी हड़प लेते थे। तो ये सभी नाबार्ड के 1982 के अंदर इस्टेब्लिश होने के बाद काफी अच्छी तरह से बेनिफिट मिले हमारे फार्मर को। थर्ड पॉइंट है इंप्रूवमेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्रीकल्चर मार्केटिंग, थर्ड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर 5 पॉइंट है। तो थर्ड पॉइंट इंप्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, टू ओवरकम द शॉर्टकमिंग ऑफ द सिस्टम of agriculture marketing many important steps have been taken, जो market के related जो हमने low productivity के बारे में हमने सोचा था उसके अंदर हम बात करें तो first step जो government लिया है वो regulated market have been set up, market set up कर दिया farmer के लिए। second to
क्लासीफाई द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एज पर देयर क्वालिटी एगमार्क, एगमार्क का मार्केटिंग उनको लोगो दिया ताकि उनकी शुद्धता पे किसी को डाउट ना हो. सेकंड, थर्ड, नेशनल वेयरहाउसेस कॉर्पोरेशन एंड स्टेट वेयरहाउसेस कॉर्पोरेशन स्टार्टेड टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर. जो वेयरहाउसेस, जो पहले बहुत सारा हमारा जो प्रोडक्शन था वो ऐसे स्टोरेज के अरेंजमेंट के कंडीशन में नहीं थे, तो उसके लिए 100% जो था उसके वजह से बहुत सारा हमें गंवाना पड़ा. और सेकंड, जो नेशनल वेयरहाउसेस कॉरपोरेशन की और स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन के जो स्टार्ट किए गए हैं उनकी वजह से जो सरप्लस उनका प्रोडक्शन है वो 100% फार्मर अपने ऐसे वेयरहाउसेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं. फोर्थ, सिस्टम हैव बीन डेवलप्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. पहले पता ही नहीं था फार्मर का, फार्मर को कितने प्रोडक्ट का कितना है, कितने यूनिट का कितना है, हमें बेनिफिट कितने मिल रहे, दैट आर नॉट नोइंग अबाउट दिस ऑल. व्हाई? बिकॉज दे हैव नॉट नॉलेज. नाउ गवर्नमेंट टेक द सिस्टम हैव बीन डेवलप टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. यानी जो वो फसल करते हैं उनकी प्रोडक्ट की मार्केट के प्राइस कितने उनको पता चल रहा है. फिफ्थ, टू प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम द मार्केट प्राइस चेंजेस, बॉटम प्राइस बीइंग अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने जो प्रोडक्शन के ऊपर पहले लॉस हुआ था, बहुत सारे फार्मर को अच्छी तरह से उनके फसल के पैसे नहीं मिलते थे, तो उनके लिए बॉटम प्राइस डिसाइड किया कि उससे कम तो प्राइस जाएगी ही नहीं. यानी उनको एक इंकरेजमेंट मिलेगा, प्रोडक्शन कितना भी होगा मगर हमें उनसे कम तो नहीं मिलने वाले. दिस आर द फोर स्टेप टू इम्प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्रीकल्चर मार्केटिंग. फोर्थ पॉइंट इज एग्रीकल्चर रिसर्च. एग्रीकल्चर रिसर्च, Indian farmer are not able to research as they less educated, therefore that duty is allocated to NABARD. NABARD को ये duty दी जो 1982 के अंदर set up हुई थी. NABARD यानी National Bank for Agriculture and Rural Development. Agriculture और Rural को develop करने के लिए National Bank को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप research करो. Educated नहीं है farmer, उनको पता नहीं है कौन से land के ऊपर कौन से production करेंगे तो ज़्यादा फसल होगी, कौन सी साइंटिफिकली मेथड से वो क्रॉपिंग करेंगे तो उनको अच्छी तरह से फसल के पैसे मिल सकते हैं, प्रोडक्शन ज्यादा होगा. तो ये सभी बातें नाबार्ड ने अपने हाथों पे ले ली. इट डज मैनी रिसर्चेस एंड गिव्स नॉलेज एंड ट्रेनिंग टू फार्मर अबाउट इट. और फार्मर को ट्रेनिंग दी गई, उनको नॉलेज दिया गया, टेक्निकल उनको हेल्प की. सो फार्मर शुड नॉट कल्टिवेट ओनली विद ट्रेडिशनल टेक्निक बट दे प्रोड्यूस एज पर राइजिंग डिमांड एंड बाई दैट earn more income and start doing market oriented production. yani market ke andar kaun si cheez chahiye, unke price kaun si ho sakti hai, aur unko production badhane ke liye jo traditional technique thi wo traditional technique ko chhod ke jo upgrade hui technology unki unhone training li aur unki wajah se unko market oriented production karne ka mauka mila. to include them in agriculture reforms program, कलेक्टिव रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, पंचायती राज, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जनधन योजना एक्सेट्रा स्टार्टेड मॉडर्नाइज द एग्रीकल्चर सेक्टर्स टू डायरेक्ट डैम फॉर द इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए सभी बातें ध्यान में दी गई. नाउ सेकंड पॉइंट, यानी जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट एग्रीकल्चर रिसर्च की बात हो गई, इम्प्रूव इंस्टीट्यूशनल जो हमारी मेजर्स टू रिड्यूस डिक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी, उनके चार पॉइंट हमने कम्प्लीट किए. उसके बाद हमने टेक्नोलॉजिकल मेजर्स भी कम्प्लीट, सॉरी एग्रीकल्चर रिसर्च हमने कम्प्लीट किया. अब सेकंड पॉइंट है इसी क्वेश्चन का, वो है टेक्नोलॉजिकल मेजर्स. टेक्नोलॉजिकल मेजर्स के अंदर कंपेयर टू द इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, टेक्नोलॉजिकल मेजर्स आर मोर इजी एंड फास्ट टू गिव द बेनिफिट टू द इंडियन इकोनॉमी. सो दे कैन स्टार्ट दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी एंड दे आर गेटिंग सो मेनी बेनिफिट्स. टेक्नोलॉजिकल मेजर्स की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी के मेजर्स के लिए बहुत सारे चेंजेस जो पुराने फार्मर वर्क करते थे उनसे बहुत सारा चेंजेस आ रहा है. कंपेयर टू इंस्टीट्यूशनल मेजर, टेक्नोलॉजिकल मेजर आर मोर इजी एंड फास्ट टू गिव द बेनिफिट, देयरफॉर दिस चेंजेस हैव मोर इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज. दे आर एज फॉलो. फर्स्ट, इम्प्रूव सीड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इम्प्रूव हाइब्रिड सीड्स आर डेवलप्ड बाय द साइंटिफिक इन्वेंशंस. दिस scientifically developed seeds give more production, help in producing crop. यानी जो पहले traditional method से जो लगातार ऐसे hybrid seeds को use नहीं करते थे वो धीरे धीरे
टेक्नोलॉजी के साथ वो भी चेंजेस हुआ, हाइब्रिड सीड्स आए, अच्छी तरह से वो चेंज करने लगे, स्पीडीली प्रोडक्शन हुआ, प्रोटेक्ट द क्रॉप्स अगेंस्ट द डिजीज, ये भी बात हुई। इंडिया हैज अचीव्ड ए नोटेबल राइज इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन विच विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ सीड्स, देयरफॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइजेस इन फूड ग्रेन प्रोड्यूस प्रोडक्शन इज नोन एज ए प्लेस ऑफ एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन एज सीड रिवोल्यूशन। सीड रिवोल्यूशन हुआ अच्छी तरह से, यानी बहुत सारे इम्प्रूव्ड सीड्स की यूज कर रहे हैं अब, जो डिशेज है उनका भी वहाँ पे सॉल्यूशन आ रहा है अच्छी तरह से, कम टाइम के अंदर अच्छी तरह से ज़्यादातर हमें प्रोडक्शन मिल रहा है, ये सभी बातें हो रही है। तो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च कमिटी, जो नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड की गई, गिव द प्रायोरिटी टू सीड्स डेवलपमेंट इन इंक्रीज ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन रियलिटी। यूज ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इंक्रीज विद द यूज ऑफ इम्प्रूव सीड्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर का भी यूज ज्यादातर होने लगा। केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर गिव इनफ न्यूट्रिशन टू प्लांट एंड हेल्प इन द ग्रो रैपिडली। जो प्लांट के अंदर उनको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ पेस्टिसाइड्स या काउडक से नहीं होने वाला। केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द प्लांट एंड हेल्प द ग्रो रैपिडली, देयरफॉर these fertilizers are very beneficial to increase the agriculture productivity. Nitrogen, phosphate, potash and other chemicals are used for crop. Chemical based fertilizer produced by the public sector enterprises, very very important, chemical based fertilizer produced by public sector enterprise are also used in India ke andar jo public sector the unhone zimmedari li chemical fertilizer ke production ki. Even fertilizer are import from import and distribute एट लोअर रेट। वो तो मिला, उन्होंने प्रोडक्शन तो किया गवर्नमेंट ने, मगर उनके रेट भी लो रखे, उसके ऊपर सब्सिडी भी दी ताकि फार्मर को चीप रेट पे फर्टिलाइजर मिले और अपने फार्म के अंदर वो अच्छी तरह से उनका यूज कर सके और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। थर्ड पॉइंट, इंक्रीज इन द इरीगेशन फैसिलिटी। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर्स डिपेंड ऑन स्काई फॉर रेन पर्पज, दैट इज मॉनसून बेस्ड एग्रीकल्चर आर इन इंडिया इन मेजोरिटी केसेस, बट रेन इन क्वाइट अनसर्टन। जो रेन है उनकी सर्टेनिटी नहीं है, रेनफॉल ज्यादा होता है, कम होता है, नहीं होता है, कभी कभी तो पूरा क्रॉप फेल होता है, फार्मर रो उठते हैं। सो इनडायरेक्टली इफेक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। इंडिया हैज वन ऑफ द बिग इश्यू ऑफ एग्रीकल्चर विद इनएडिक्वेट फैसिलिटी ऑफ द इरीगेशन। इरीगेशन की फैसिलिटी नहीं थी इंडिया के लिए और मानसून बेस हमारा था प्रोडक्शन, तो एक बिग चैलेंज था। इफ एग्रीकल्चर हैज टू कम आउट फ्रॉम द अनसर्टेनिटी ऑफ द रेन एंड प्रोवाइड सर्टेन इन द इरीगेशन फैसिलिटी, देन डिफरेंट मोटिव ऑफ द स्मॉल स्केल एंड द मीडियम स्केल इरीगेशन प्रोजेक्ट शुड बी डेवलप एंड टास्क शुड बी प्रायोरिटीज। यानी बहुत सारे फील्ड को फिर इरीगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, बहुत सारे स्मॉल एंड बिग एंड मार्जिनल फार्मर को भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। टू एक्सपांड द सर्विस ऑफ द इरीगेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ इरीगेशन सेक्टर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड सेटअप बाय इंडिया, डेवलप करने के लिए इरीगेशन फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इरीगेशन सेक्टर स्टार्ट किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड सेटअप किया गया इंडिया के अंदर। इन एडिशन टू दैट, इनकम्प्लीट इरीगेशन प्रोजेक्ट एंड डेवलप ऑफ अदर फैसिलिटीज नाबार्ड बीइंग असाइंड, नाबार्ड को भी ये जिम्मेदारी दी गई कि अगर जहां जहां फैसिलिटी नहीं है ऐसे फील्ड के अंदर हम इरीगेशन की फैसिलिटी को प्रोजेक्ट करेंगे, वहां उनको करेंगे। यूज ऑफ मशीन्स, वन ऑफ द रीजन ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इज ट्रेडिशनल इक्विपमेंट ऑफ मशीन। पुराने ख्याल के जो प्लो एंड उलक के साथ खेत के अंदर फार्मर जाते थे उनसे भी हमारा प्रोडक्शन कम होता था और मशीन। इन रियलिटी विच द डेवलपमेंट earning and the automobile sectors, tractor, trailer, thresher, electric pump, set, oil engine, pesticide, sprinkle pump, these all are the modern technique will be included. यानी ये भी सब कुछ invent हुआ, electric pump बनाए गए, oil engine बनाए गए, pesticide sprinkle, यानी pesticide को फुहारे की तरह अलग अलग खेत के अंदर और थ्रेसर ट्रेलर ट्रैक्टर के इन्वेंटेड हुए। दिस मशीन्स आर वेरी हेल्पफुल टू हैव द मोर देन द क्रॉप एंड यर विच इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। पेस्टिसाइड, सोल टेस्टिंग, ये सभी अच्छी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रेडी टू क्रॉप द डेंजर ऑफ द वेराइटी वेरियस डिजीज एंड द इंसेक्ट, पेस्टिसाइड इज द की फैक्टर टू प्रिवेंट क्रॉप फ्रॉम द वेरियस डिजीज एंड प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द इंसेक्ट्स।
scientific day of the pesticide are very useful. By the using them, the loss of the crop can be restricted, which also will give help to productivity. Productivity को बढ़ाने के लिए जहाँ disease होते हैं पूरा plant पूरे year के कड़ी धूप में जो farmer work करते हैं उसके अंदर थोड़ी सी भी लापरवाही आई, कोई भी उसके अंदर insect आ गए और पूरे crop को fail करते थे, तो उनके लिए अच्छी तरह से scientific pesticide बनाई गई ताकि पूरे साल की मेहनत कम न हो जाए. Soil testing in the much popular in the cultivation with the help of scientific techniques that gives the informative information about the land. It means it had it is land favorable to crop and not can be known by the taste. Even it gives information deficiency of the elements of this soil, the help to remove deficiency of the land. This way land can made favorable to crop and become capable to give high productivity. That this test answer about the favorability of the land for the crop is not. यानी सोइल जो लैंड है, लैंड कहाँ पे हमें टेस्ट करने है, कैसे टेस्ट करनी है, उनके अंदर कौन से एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है, कौन से डेफिशिएंसी उनको कैसे दूर किया जाए और पूरी लैंड को यानी पूरे खेत को कैसे कल्टिवेबल बनाया जाए, ये टेस्टिंग भी हुआ और उससे भी बहुत सारे बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी के एग्रीकल्चर सेक्टर को मिले. तो अब थर्ड पॉइंट है हमारा अदर मेजर्स दैट इज to improve the agriculture productivity. Farmers are needed to educate or they may be well informed about the new technology to bring change in their working pattern. अदर मेजर्स के अंदर फार्मर को थोड़ा अपडेट होने की बात हो रही है, उनको अपने ट्रेडिशनल मेथड को चेंज करके एजुकेट होके अपग्रेड होके नई टेक्नोलॉजी जो चेंज होके आई है उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा उनके फार्म के अंदर. इवन दे शुड अवेक अप द their customs of rural areas and can be explained about not to believe in a fatalism and new measures like agriculture fair can be used to increase the agriculture productivity. Unko apni fatality ko change karna padega, jo dada pardada jaise production karke aaye hai wahi hum karenge. Agar hum fertilizer dalenge, chemical dalenge to insect mar jayenge, hame paap lagega, ye sab kuch chhodna padega, unki mentality ko change karna padega that they can improve their productivity in the field. So that we can increase our production. So these are the main point. In addition to that, agriculture allied activities like cattle raising, poultry farming, food processing, jungle and other can be used to reduce dependency on the agriculture. Agriculture के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो उनकी main activity रहती है उनको भी change करने पड़ेंगे. उनको cattle raising, rearing, poultry farming, food processing, jungle and other उनको dependence रहना पड़ेगा. सिर्फ और सिर्फ agriculture के base के ऊपर ही depend रहेंगे तो नहीं चलने वाला. अब that can increase agriculture productivity. If small scale industries can be expanded to rural areas, this kind of industries can become supporting to the agriculture and that can make improvement of agriculture productivity easier and possible in reality. तो ये सभी points से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके. काफी इंपॉर्टेंट अभी तक के हमने पॉइंट डिस्कस किए, जो मेजर्स के तीन पॉइंट हमने डिस्कस किए, इंस्टीट्यूशनल, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एंड देन अदर. ये सभी पॉइंट सेक्शन ई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. सेक्शन ई के क्वेश्चन के अंदर ये सभी बातें आपको डीपली डिस्कस करनी पड़ेगी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडर्न एग्रीकल्चर. इंडियन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर यूज ऑर्गेनिक manners, it's simple flow bullocks and primary instrument. These instruments give very less productivity and use of them was unable to satisfy agriculture requirements of the entire nation. जो नेशन को रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन की, अगर ऐसी मेथड से फार्मर करते रहेंगे तो पॉसिबल नहीं है. Therefore, since 1966, modern agriculture emerged in India. Important 1966, very very important year. आपके लिए ये साल काफी important रहती है क्योंकि 1966 का जो year है वो modern agriculture का है. Modern agriculture की शुरुआत कब हुई? 1966 में. Double six, दो छक्के लगा देने हैं आपको. काफी important year है. Modern agriculture used modern imports like hybrid seeds, chemical fertilizers, pesticides, new machines of agriculture irrigation. ये सभी नए नए equipment आते गए. Due to this modern inputs, agriculture production increased entirely. ये सभी अगर हम use करेंगे तो हमारी production productivity बढ़ती जाएगी. This was counted as a revolution. उनको हम एक क्रांति के रूप में कहेंगे. This revolution was
ऑफ एग्रीकल्चर देयरफॉर इट इज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन. इट इज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यस, ग्रीन रेवोल्यूशन आपके लिए काफी मायने रखती है. ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, कैसे होती है, तो उसके अंदर हाइब्रिड सीड की बात होनी चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने की बात होनी चाहिए, पेस्टिसाइड्स की, न्यू मशीनरी की, और लार्ज स्केल के अंदर हमारा प्रोडक्शन एग्रीकल्चर के अंदर होता है तो हम उसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहेंगे. यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्टेड फ्रॉम इन द ईयर 1960-61 एट 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया एज ए पायलट प्रोजेक्ट. जो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई थी 1960-61 के अंदर, और वो भी 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के जरिए हुई थी. दिस इज नोन एज ए इनिशियलिटी एस आई डी आई ए डी पी. आई ए डी पी वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यू मार्क इट अंडरलाइन दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू वन सेंटेंस. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आई ए डी पी? दैट इज इंटेंस एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. आई रिपीट अगेन, इंटेंस एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. इंटेंस एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड दैट मीन्स इंटेंसिव एग्रीकल्चरल प्रोग्राम फॉर द डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट के लिए इनिशियटिवली हमें एग्रीकल्चर प्रोग्राम को लेना है, तो उनकी शुरुआत हमारे 1961 के अंदर हुई थी. ड्यू टू वंडरफुल सक्सेस विद द पासिंग ऑफ टाइम इट वॉज अप्लाइड टू हॉल नेशन. जो 7 स्टेट वेरी 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पायलट प्रोजेक्ट 1961 कर जो न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करने के बारे में सक्सेस हुआ, उसके बाद अप्लाइड हुआ पूरे नेशन के अंदर. वेन इट वॉज इम्प्लीमेंटेड टू द नेशन दिस वॉज नोन एज HYVP. खतरनाक है, ध्यान में रखना. HYVP दैट इज कॉल्ड हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम. हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम. हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अंडरलाइन दिस फुल फॉर्म ऑफ HYVP दैट इज कॉल्ड हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम. एंड IADP दैट इज इंटेंस एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. DP दैट इज डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. एंड HYVP दैट इज हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम. दैट मींस प्रोग्राम हैज हाई यील्डिंग प्रोडक्ट which is also known as a green revolution. Very, very important. To similar word of that, what is the other name of green revolution? That is called high yielding. High yielding. High yielding. HYVP. High yielding varieties program. It is known as a modern agriculture technology program. Very, very important. Another name of green revolution. You have been asking section B. What is the another name of green revolution? Green revolution ke alag alag do teen naam yahan pe aaye. Modern agriculture technology program is also named as a green revolution. And other name is Program of Seeds, Fertilizer and Water Technology. Another name is Program of Seeds. Seeds यानी बीज, Fertilizer chemical के साथ हम use करें, Fertilizer and Water Technology. Program of Seeds, Fertilizer and Water. That is called SFW. SFW Program of SFW. That is called Seeds, Fertilizer and Water Technology. Very very important. Three synonyms for the Green Revolution. That is called Modern Agriculture Technology Programs. Or program of seed, fertilizer, and water technology. Now, multiple cropping, very important. Modern agriculture are going with green revolution, and also one of the part of modern agriculture that is called multiple cropping. Multiple cropping can be obtained by the different crop on the cultivated land area. Multiple cropping shows nature of agriculture works. Normally, two types of crops are seen: food grain and non-food grain. Very very important. Underline this type. How many types of food grain are there and how what are they? That is food grain and non-food grain. Do tarah ke food grain hai, food grain or non-food grain, which is also known as a cash crop. Wheat, rice grains, millet, bajra, jowar and maize, these all are known as a cash crop. Give the example of cash crops you've been asked in section B for 1 mark. So cash crop are the example of cash crop are wheat, rice, forest grain, millet that is called bajra, sorghum that is called jowar and maize. Ye sabhi cash crop hai. Pulses are included in food grain crop where the different oil seeds like groundnut, seamess, castor, soya beans, these are sunflower etc. is known in a food grain, whereas different oil seeds and sugarcane, rubber, cotton, jute, etc. included in cash crops. So these are the multiple cropping concept here. Reason for multiple cropping are two. First, technological factors and second, economical project. Very, very important for section B. What are the reason for the multiple cropping? What are the two main reason for the multiple cropping? First is technological factors and second is economic factor. First is technological factors. Multiple cropping in an area depend on the soil, environment, rain, etc. Element, for example, Madhya Pradesh, after taking crop of millet, that is called bajra, they take crop of sugarcane. Yani Madhya Pradesh ke log
पहले अगर बाजरा के क्रॉप को वो ग्रो करेंगे तो उसके बाद उसी खेत के अंदर वो बाजरा नहीं करेंगे, मगर कौन से क्रॉप लेंगे, शुगर कैन के और टोबेको के. क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द बाजरा क्रॉप. बाजरा के अंदर जो फर्टिलाइजर न्यूट्रिशन लैंड को मिलेगी वो शुगर कैन और टोबेको के अंदर अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगी. सो द ग्राउंड ऑफ द इरीगेशन फैसिलिटी, द ग्राउंड इज वेरी मच फर्टिलाइज फॉर द टोबेको एंड शुगर कैन एक्सेट्रा. ऑन द ग्राउंड ऑफ द इरीगेशन फैसिलिटी दिस वे मल्टीपल क्रॉपिंग इज पॉसिबल ड्यू टू कैपिटल, न्यू सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड क्रेडिट फैसिलिटी. मल्टीपल क्रॉपिंग कब हो सकती है? जब आपके पास कैपिटल हो, नए सीड्स हो यानी नए बीज हो, फर्टिलाइजर्स और क्रेडिट का फैसिलिटी हो. ये सभी टेक्नोलॉजी फैक्टर्स है. सेकंड है इकोनॉमिकल फैक्टर. रीजन फॉर द मल्टीपल क्रॉपिंग का फर्स्ट रीजन था टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स. जो टेक्नोलॉजी आपके पास है उनसे आपके पास पैसे है, आपके पास फर्टिलाइजर, आपके पास क्रेडिट फाइनेंस है, तो टेक्नोलॉजी को आप चेंज कर सकते हैं. जैसे बाजरा के बाद हम दूसरे क्रॉप को ले सकते हैं, वो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हुए मल्टीपल क्रॉपिंग के. सेकंड फैक्टर्स है इकोनॉमिक फैक्टर. इकोनॉमिक फैक्टर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द मल्टीपल क्रॉपिंग. दिस इकोनॉमिक फैक्टर्स आर एज फॉलो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल फैक्टर्स आर एज फॉलो. फर्स्ट, टू मैक्सिमाइज प्राइस एंड इनकम. अगर हमारी प्राइस ऊपर लानी है, इनकम को ज्यादा अर्न करनी है, तो इकोनॉमिकल फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ द एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट. अगर एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट, ट्रैक्टर, थ्रेसर, रिंकल पाइप, ये सभी अगर हमें लेने हैं तो भी पॉसिबल हो सके. साइज ऑफ फार्म, फार्म की साइज कितनी है, उसके ऊपर इकोनॉमिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है. प्रोटेक्शन ऑफ इंश्योरेंस. इंश्योरेंस है कि नहीं, उनसे अगर इंश्योरेंस है तो हम अच्छी तरह से उसका मॉडर्न टेक्निक से यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर फसल फेल होती है तो भी इंश्योरेंस है तो हमें पैसे मिल सकते हैं. टेंचर, डेट इज टेंचर अवेल फ्रॉम द लैंडलॉर्ड. जो पैसे वाले हैं, लैंडलॉर्ड हैं, उनको ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होगी तो उनको भी कुछ ना कुछ आगे रिवोल्यूशन करने का मौका मिलेगा. अवेलेबिलिटी और स्कैर्सिटी ऑफ दिस फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्शन ऑफ क्रॉप. इन 1951 अप्रोक्सीमेटली 75% क्रॉप ऑफ फूड ग्रेन एंड 25% क्रॉप ऑफ कैश क्रॉप वाज टेकन अप. काफी इंपॉर्टेंट डेटा आपके लिए है. 1950-51 के अंदर 75% क्रॉप फूड ग्रेन के थे और 25% क्रॉप कैश क्रॉप के थे. आप अंडरलाइन कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. कितने प्रोपोर्शंस में कैश क्रॉप और फूड ग्रेन का है, तो 75% एज ए फूड ग्रेन और 25 यानी क्रॉप ऑफ कैश वाज टेकन. After 1966 मल्टीपल क्रॉप हैव बीन सीन ड्यू टू यूज ऑफ इनपुट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन. ग्रीन रिवॉल्यूशन को 1966 के अंदर इंप्लीमेंट करने के बाद मल्टीपल क्रॉपिंग के आइडिया क्लियर हुए. इन द ईयर 1970-71 अबाउट 75% फूड ग्रेन वेयर अबाउट 26 ऑफ कैश क्रॉप वेयर टेकन. जो प्रोपोर्शन है वो थोड़ा कम नजर आ रहा है 1977 के अंदर. अबाउट 75% ऑफ द फूड ग्रेन वेयर अबाउट 26 आर कैश क्रॉप. पीकेम एस 64% ऑफ फूड ग्रेन एंड 36% ऑफ कैश क्रॉप इन ईयर 2006-07. जो मल्टीपल क्रॉपिंग की जो बात हुई, कॉन्सेप्ट हुआ, उसकी वजह से जो कैश क्रॉप और फूड ग्रेन के अंदर जो प्रोपोर्शन आप देख रहे हो 64-36, 74-26, 75-25 जो धीरे धीरे रिड्यूस होते नजर आ रहे हैं 2006-07 के अंदर, उसका रिजल्ट एक ही मल्टीपल क्रॉपिंग. But then again, due to change in the multiple crop in the year 2011-12, about 66% of the food grain and about 34% of the cash crop were taken. मगर कुछ 2011 के अंदर multiple crop के जो concept वो change हुए और फिर से 66% food grain की और 34% cash crop की बात हुई. That can be said on the ground of details of agriculture statistics as glance of 2010-11. Now crop protection. Protection कैसा किया जाए? हमारे जो फार्मर है वो फार्मर अच्छी तरह से बहुत मेहनत करते हैं, पूरे साल कुछ ना कुछ करते हैं, तो उनका अगर क्रॉप फेल होता है तो पूरे साल की मेहनत, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, फाइनेंस सभी उनको गंवाने पड़ते. तो वो क्रॉप जो लेते हैं, वो जो प्रोडक्शन करते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया कैसे किया जाए, वो काफी इंपॉर्टेंट है. एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी शुड बी इंक्रीज विद द यूज ऑफ द पेस्टिसाइड, बट इंडिया हैज वेरी लेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड पर हेक्टर. पेस्टिसाइड्स यानी जो कुदरती
खातर होते हैं उनका काफी कम मात्रा में इंडिया के अंदर यूज किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2016 शो दैट इंडिया हैज ओनली 0.5 केजी पर हेक्टर, 0.5 केजी पर हेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है सेक्शन ए के लिए, 0.5 केजी पर हेक्टर यूज पेस्टिसाइड इन इंडिया को 2015-16 के सर्वे के अंदर बताया गया है कि भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ 0.5 केजी पर हेक्टर पेस्टिसाइड को यूज किया जाता है, वेरेस अमेरिका की बात किया जाए तो 7 केजी। देखना डेटा काफी है आपको शॉकिंग लगेंगे, यहाँ पे 0.5 है और अमेरिका वाले 7.0 केजी, और यूरोप के अंदर 2.5 केजी, जापान के अंदर 12 केजी और कोरिया के अंदर 6.6 केजी पर हेक्टर पेस्टिसाइड की यूज होती है। तो इंडिया के अंदर 1 केजी भी नहीं होती पर हेक्टर के अंदर, दैट इज वेरी शेमफुल फॉर द इंडियन इकोनॉमी। दिस इज द रीजन व्हाई 15-25% इंडियन क्रॉप गेट स्पॉइल्ड बाय इंसेक्ट। उसका रीजन क्या होगा कि इंडिया के अंदर 15-25% जो क्रॉप होती है वो इंसेक्ट की वजह से स्पॉइल हो जाते हैं, डिजीज हेड कैटल बर्ड्स विच में बी सेव। इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफ द पेस्टिसाइड, पुअर क्वालिटी पेस्टिसाइड एंड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रॉपर यूज ऑफ पेस्टिसाइड आर बिग इश्यू ऑफ इंडिया। इंडिया के फार्मर के पास नॉलेज नहीं है, पुअर क्वालिटी है पेस्टिसाइड की और उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कैसे उनका यूज किया जाए एक हेक्टर के अंदर। इम्प्रॉपर यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन इंडिया क्रिएट बिग डेंजर टू द मैनकाइंड एंड एनवायरमेंट। उनकी सेहत के लिए और पूरे हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी पेस्टिसाइड अगर इम्प्रॉपर यूज करेंगे तब खतरे की घंटी बज सकती है। CIBRC, यू मार्क इट इंपॉर्टेंट, यू मार्क इट इंपॉर्टेंट, यू अंडरलाइन दिस सेंटेंस, यू हाईलाइट दिस सेंटेंस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CIBRC एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ CIBRC दैट इज कंडक्टेड इन सेक्शन बी और सेक्शन सी। CIBRC दैट इज सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमिटी, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड and registrations committee is appointed to inform Indian farmer about various type of pesticide and its savor of poison। जो committee है CIBRC वो Indian farmer के जो knowledge को enrich करती है, upgrade करती है कि pesticides कितने level की आप खेत के अंदर डालोगे, अगर अच्छे से नहीं डाली तो उनका poison level कितना है वो समझाने के लिए वो CIBRC सेटअप हुई। द पब्लिश डिफरेंट बुकलेट टू द गाइड फार्मर विच एक्सप्लेन अबाउट क्वालिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स। उन्होंने बहुत सारी बुकलेट पब्लिश की फार्मर के लिए कि आप कितनी पेस्टिसाइड्स को यूज करेंगे, कितना खतरा है, टाइम ऑफ यूज, लेवल ऑफ पॉइजन, कितने इंटरवल के अंदर हमें पेस्टिसाइड को यूज करना है, उनका पॉइजन लेवल कितना है, वो सभी बातें CIBRC ने समझाई है। पेस्टिसाइड शुड बी इफेक्टिव बट नॉन पॉइजनस एंड चीपर टू इनकरेज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर फॉर द इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो पेस्टिसाइड का यूज चीपली कैसे करना है, इंकरेजमेंट कैसे होनी चाहिए, स्मॉल एंड मार्जिन फार्मर कैसे अपने एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर उनका यूज करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, ये सभी जानकारी CIBRC ने दी। तो CIBRC का काम क्या है वो आपको 2 मार्क के अंदर पूछा जा सकता है, तो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर रिसर्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ICAR। देर आर 1 मार्क्स क्वेश्चन आर ऑल्सो देर, ICAR, गिव द फुल फॉर्म ऑफ ICAR दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, रिसर्च दैट इज संशोधन। जो इंडियन काउंसिल के अंदर एग्रीकल्चर बेस के अंदर जो भी रिसर्चेस होते हैं दैट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूट विच आर टू कंडक्ट दिस टाइप ऑफ प्रोसीजर दैट इज कॉल्ड ICAR। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज ओनली इंस्टीट्यूट विच मैनेजेस एग्रीकल्चरल रिसर्चेस। जो इंस्टीट्यूट है वो पूरा एग्रीकल्चर को मैनेज करेगी। इट प्रोवाइड्स अरेंजमेंट फॉर रिसर्च एंड ऑल्सो गिवन एडिक्वेट हेल्प। वो बहुत सारे रिसर्च करेगी, अरेंजमेंट करेगी, बहुत सारे पुअर फार्मर है उनको हेल्प करेगी। इट इज ऑल्सो स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑफ हॉर्टिकुलर फिशरिंग एंड कैटल रेयरिंग साइंस। वो ये तीनों सेक्टर जो है हॉर्टिकल्चर फिशरिंग एंड कैटल रेयरिंग साइंस के बारे में भी वो अपने नॉलेज को स्प्रेड करेगी, अवेयर करेगी फार्मर को। ICAR दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैज डन पायोनियर वर्क फॉर द एक्सपांशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ICAR जो इंस्टीट्यूट है उनको वो बेस के अंदर है, वो पिलर है, उन्होंने वर्क स्टार्ट किया था किसका, एक्सपांशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। जो हरियाली क्रांति हुई थी खेत के अंदर उनका एक्सपांड करने का काम ICAR ने किया था। इट हैज मेड एप्रोप्रिएट हेल्प
डिफॉल्ट टू हैव नेशनल फूड अवेलेबिलिटी एंड न्यूट्रिशन। उनके अंदर ही उन्होंने बहुत सारा अच्छा वर्क किया, इंडिया को प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड मिले और हर एक खेत के अंदर हरियाली क्रांति आए यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन हो, ये सभी बातें उन्होंने की। तो इस चैप्टर को यहाँ पे हम एंड करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप देख रहे हो, जैसे ही 9 चैप्टर या 10 चैप्टर ओवर होंगे हम हमारा रिविजन राउंड स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर एमसीक्यू क्या है, वन सेंटेंस कौन से इंपॉर्टेंट है, सी के लिए डी के लिए क्या है, सी डी और ई के अंदर कौन सी ट्रिक है, कैसे उनको याद रखना है, याद रखने का तरीका कौन सा है, कौन सी ट्रिक है, आपको कितनी बातें बोर्ड के अंदर लिखनी है, ये सभी बातें हम रिविजन राउंड के अंदर अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। तो ये चैप्टर 2-3 बार देखो अच्छी तरह से। अगर कोई भी आपको क्वेरी है चैप्टर रिलेटेड, यू हैव टू आस्क मी डायरेक्ट ऑन माय 9662532400 नंबर। यू कैन सी दिस नंबर ऑफ व्हाट्सएप, दैट इज कॉल 9662532418, और यू कैन कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स, और ऑल्सो यू कैन मेल मी ckenak@gmail.com। इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी ऑन दिस नंबर और यू कैन कमेंट मी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। कीप वॉचिंग ICDK फॉर यू चैनल फॉर रिविजन राउंड ऑफ 6, 7, 8 और मे बी पॉसिबल चैप्टर 9 or 10, इट विल बी कंक्लूडेड। सो आई होप दोस हु आर स्टिल नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब इट, गो थ्रू गूगल www.icdk of your type and you can see this type of logo of my channel. You can subscribe, you can press the bell button and get notification. Also, if you have no any this type of activity doing, then you have to install simply free ICDK for your app in your Android mobile, then you can easily got the link of this chapter also. So thanks a lot for watching this video. Thanks a lot. Thank you for the day. Have a nice day.